किशोर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। किशोर सुबह सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी चंपा उससे बोली, घर पर राशन पानी खत्म हो गया है, शाम को जब घर आना तो थोड़े दाल चावल और आटा ले आना। ईश्वर से प्रार्थना करना चंपा कि आज मुझे कोई अच्छी सवारी मिल जाए। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप अपने हाथी को बेचकर कोई दूसरा व्यवसाय शुरू कर दीजिए। नहीं चंपा, ये हाथी मेरे पिता की निशानी है। अरे ऐसी निशानी से क्या फायदा जिससे हम दोनों की भूखे मरने की नौबत आ जाए। अपने मन में कभी भी निराशा को जन्म नहीं देना चाहिए, हर रात के बाद सुबह होती है। इतना बोलकर किशोर अपने घर से निकल गया। वो अपने हाथी पर बैठकर कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया किशोर उससे बोला, किशोर तुम्हारा ये हाथी आखिर किस काम का है? मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। किशोर तुम जिस गांव में रहते हो उस गांव में कोई टूरिस्ट नहीं आता, सारा दिन तुम इस हाथी पर बैठकर घूमते रहते हो और एक एक रुपया लेकर बच्चों को सैर कराते रहते हो, जितना कमाते हो उससे अधिक तो तुम्हारा ये हाथी खा जाता है। जो भी हो मुखिया जी, लेकिन मैं खुश हूँ। आज जमींदार पूछता हुआ मेरे पास आया था, बोलकर गया कि किशोर मिले तो उससे कह देना कि मेरी हवेली आ जाए। मुखिया के कहने पर किशोर जमींदार की हवेली पर पहुँच गया। मुखिया जी बता रहे थे कि आपने मुझे याद किया है। हाँ हाँ याद किया है, दरअसल तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था और वो कर्ज देने से पहले ही स्वर्ग से धार गए, वो कर्ज अब तुम चुकाओगे। जमींदार साहब मेरे पिताजी ने अपना खेत भी तो आपके पास गिरवी रखा है। तुम्हारे उस पिता के बंजर खेत का मैं क्या अचार डालूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर एक महीने के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं ये तुम्हारा हाथी तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारी बंजर जमीन के कागज तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। अब तुम जा सकते हो। अरे रतन तुम अचानक? क्यों जीजा जी, मैं अपनी बहन के घर नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं रतन, ऐसी कोई बात नहीं है, अचानक तुम्हें देखा ना इसीलिए ऐसा पूछा। क्या बात है जीजा जी, आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी? अब तुम्हें क्या बताऊं, पिताजी ने जमींदार से कुछ पैसे कर्ज में लिए थे और बदले में अपना खेत उसके पास गिरवी रख दिया था। आज जमींदार ने मुझे बुलाया और कहा कि अपने पिताजी का कर्ज मुझे चुकाना होगा, अगर मैंने एक महीने के अंदर उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरे हाथी को यानी कि मेरे पिताजी की आखिरी निशानी को भी मुझसे छीन लेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ जीजा जी, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते, तो आप आराम से सो जाइए, हम सुबह इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रतन की बात सुनकर किशोर मुस्कुराने लगा। अगले दिन जमींदार के पास मुखिया आकर बोला, जमींदार साहब क्या किशोर आपके पास आया था? हाँ हाँ आया था, जैसा तुमने कहा था मुखिया मैंने वैसा ही किया। बहुत अच्छा किया जमींदार साहब, आप नहीं जानते कि उसके पास जो हाथी है उसकी कीमत बाजार में कितनी हो सकती है। देखो मुखिया, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे एक महीने का समय तो दे दिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो एक महीने के अंदर अपने पिता का सारा कर्ज मेरे मुंह पर मार दे और मेरे हाथ से उसके पिताजी की गिरवी उपजाऊ जमीन भी चली जाए, जिससे हर वर्ष मुझे लाखों का फायदा होता है। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि किशोर एक महीने में वो रकम आपको नहीं दे सकता, आखिर वो कमाता ही कितना है, और मैंने तो सुना है कि कभी कभी उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता। मैं आपका और भी लाखों का फायदा करवाऊंगा। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। इधर रतन अपने जीजा किशोर से बोला, जीजा जी मेरा जो ढाबा है आप वहाँ काम क्यों नहीं करते? नहीं रतन, मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीजा जी आप समझते क्यों नहीं, आपका गांव सुंदर पहाड़ियों पर बसा हुआ है मगर फिर भी यहाँ पर सैलानी नहीं आते, आपका हाथी इस गांव में किसी काम का नहीं। तुम चिंता मत करो रतन, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। रतन वहाँ से चला गया और किशोर रात के समय गहरी सोच में डूब गया। किशोर की पत्नी चंपा किशोर से बोली, अब आप क्या करेंगे जी,
अगर एक महीने के अंदर आपने जमींदार को पैसे नहीं दिए तो वो आपके पिता की आखिरी निशानी भी आपसे छीन लेगा, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ चंपा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जमींदार मेरे पिताजी की गिरवी रखी हुई खेत को बंजर क्यों बोल रहा है। जरूर हमारे गांव के मुखिया ने उसके कान भरे होंगे, आपके खेत से उसे लाखों का फायदा होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके पैसे चुका दें और आपका खेत आपको वापस मिल जाए? चंपा की बात सुनकर रतन गहरी सोच में डूबते हुए बोला, जो मैंने सोचा है अगर उस सोच में मैं सफल हो गया तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे? कल बताऊंगा। अगली सुबह किशोर जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आया और लकड़ियों को काट काट कर तांगे का आकार देने लगा। चंपा आओ मेरी मदद करो। चंपा अपने पति किशोर की मदद करने लगी। दो दिन के अंदर ही किशोर ने एक सुंदर बड़ा तांगे का बॉक्स बनाकर तैयार कर दिया। इसके ऊपर एक सुंदर पेंट करना रह गया है ताकि ये और अधिक सुंदर दिखने लगे। चंपा ने उस लकड़ी के बॉक्स को रंग बिरंगे रंगों से रंग दिया। किशोर ने उस लकड़ी के बॉक्स को हाथी के पीछे ठीक वैसे ही फिट कर दिया जैसे कि घोड़े के पीछे तांगा फिट होता है। ये तो बहुत सुंदर दिखने लगा है जी। इस तरह से तो आप अपने हाथी से घोड़ा गाड़ी का भी काम ले सकते हैं। हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। आपका दिमाग तो कमाल का है जी। नहीं चंपा, मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा है। जब रतन ने अपने ढाबे पर काम करने के लिए मुझसे कहा तो मेरे दिमाग में तभी एक योजना आई थी कि क्यों ना मैं अपने हाथी पर इस तरह का बॉक्स बनाकर चलता फिरूं और एक चलता फिरता ढाबा खोल लूं। आजकल आधुनिक जमाना है और लोग हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। किशोर अपने हाथी को लेकर सीधे रतन के गांव पहुंच गया। रतन बुरी तरह से चौंकता हुआ किशोर को देखकर बोला, अरे वाह जीजा जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आपने तो घोड़ा गाड़ी की बजाय हाथी गाड़ी बना दी। तुम मेरी मदद करना चाहते थे ना रतन? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने ढाबे से कुछ अच्छा बना कर के दो। मैं तुम्हारा बनाया हुआ भोजन अपनी इस हाथी गाड़ी पर बेचूंगा। शाम तक जो भी मुनाफा होगा आधी आधी बांट लेंगे। अरे जीजा जी, आपका ये हाथी ढाबा तो दौड़ेगा। और हाँ, मैं सिर्फ भोजन ही नहीं बनाऊंगा बल्कि अब आपके हाथी गाड़ी पर बैठकर लोगों को अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा भी। रतन ने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए और बड़ी ही सुंदरता से रतन की हाथी की बग्घी में सजा दिए। किशोर रतन को बैठा कर हाथी को लेकर चल दिया। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी उसे एक खड़ी हुई बस दिखाई दी। बस का कंडक्टर किशोर के पास आकर बोला, अरे भाई, तुम्हारे हाथी गाड़ी से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। कंडक्टर साहब, ये एक तरह का ढाबा है, अगर आप चाहें तो भोजन का स्वाद उठा सकते हैं और अपनी सवारी को भी यहाँ पर लाकर उन्हें भोजन खिला सकते हैं। कंडक्टर तुरंत अपने सवारियों को वहाँ पर ले आया और वो सब अंदर बैठकर भोजन का आनंद उठाने लगे। एक ग्राहक खुशी से बोला, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया। पहले इन पहाड़ों पर जब बस खराब हो जाती थी तो घंटों भूखा रहना पड़ता था, अब तो ये समस्या भी खत्म हो गई। मैंने इसमें अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है साहब, आपको कभी भी बुलाना हो तो आप बस फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। कुछ ही दिनों में किशोर का हाथी गाड़ी ढाबा आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध होने लगा और दूर दूर से सैलानी सिर्फ हाथी गाड़ी ढाबा में बैठकर भोजन का आनंद उठाने के लिए किशोर के गांव आने लगे। आपने तो कमाल कर दिया जी, आपने तो वो सब करके दिखा दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हमारे गांव में सैलानी नहीं आते थे, लेकिन अब सिर्फ आपकी हाथी गाड़ी ढाबा को देखने के लिए और भोजन का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर सैलानी आने लगे। ये सब ईश्वर की कृपा है चंपा। जीजा जी, आपकी मेहनत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आपके दिमाग का जवाब नहीं। आज जो भी सैलानी आता है सिर्फ आपको ही पूछता हुआ आता है। ऐसे ही एक महीना बीत गया। जमींदार साहब, आपके चेहरे पर ये क्रोध क्यों झलक रहा है?
बकवास बंद करो मुखिया, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। क्या मतलब? अरे तुम्हें पता भी है, आज गांव के लोग मेरे और तुम्हारे नाम की बजाय किशोर के नाम की माला जपने लगे हैं। अरे दूर दूर से सैलानी सिर्फ उसका नाम पूछते हुए यहाँ पर आते हैं, और ये सब कुछ एक महीने में हुआ है मुखिया। एक महीने पहले किशोर का कोई नाम तक नहीं जानता था। मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चिंता मत कीजिए, उसका नाम पूछते हुए आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना धनवान हो गया है कि वो अपने पिता का कर्ज चुका दे। देखना, वो मुंह लटका कर आएगा और कहेगा कि जमींदार साहब पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। उसी पल आप उसका हाथी उससे छीन लेना, और अब हाथी गाड़ी ढाबा में परिवर्तित हो गया है और आपको डबल मुनाफा हो जाएगा। तभी वहाँ पर किशोर गांव के कुछ लोगों के साथ आ पहुँचा। ऐसा कभी नहीं होगा मुखिया जी, आपने जो सपना देखा था वो अधूरा ही रह जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? किशोर ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर जमींदार के मुंह पर मार दी। ये क्या बदतमीजी है किशोर? ये बदतमीजी नहीं जमींदार साहब, बल्कि ये कर्ज चुकाने का मेरा स्टाइल है। अब जल्दी से मेरे पिताजी के खेत के कागज मुझे वापस कर दीजिए, जो कि आपने वादा किया था। मैंने ऐसा तुमसे कोई वादा नहीं किया था। कुछ देर पहले आप और मुखिया जी जो बातें कर रहे थे, वो सारी बातें इन गांव वालों ने सुन ली है। इससे पहले कि ये क्रोधित होकर कुछ कर बैठे, मेरा खेत मुझे वापस कर दीजिए। जमींदार उन सभी लोगों के चेहरे देखकर डर गया और उसने तुरंत किशोर का खेत उसे वापस कर दिया, और जमींदार और मुखिया मुंह लटका कर देखते रह गए। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे और मेरे दो बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे, अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है, और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ दो आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं। हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है, और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं।
देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली क्योंकि उसे सांप ने काट लिया। माँ, क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर, और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा, जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ, देव, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाओ ये घर में। सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी। एक गांव में रामू और मंगल नाम के दो नाई रहते थे। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। रामू सरल स्वभाव का और एक दयालु इंसान था। उसकी दुकान पर अक्सर एक बूढ़ा भिखारी आया करता था। रामू फ्री में उस भिखारी के बाल काट देता, अपना खाना उसे खिला देता और ठंड के दिनों में उसे गर्म कपड़े भी देता। दूसरी तरफ मंगल एक चालाक और कंजूस इंसान था। वह अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से इधर उधर वाले लोगों की बुराइयां और चापलूसी से भरी बातें करता। भाई साहब, तुमने रमेश के लड़के के बारे में कुछ सुना? अरे, हाई स्कूल में 3 बार फेल हो गया है। रमेश के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। काश उसे आपके जैसे बच्चे मिले होते। रामू की पत्नी पीठ से थी। एक रात रामू की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। रामू अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए शहर में हॉस्पिटल चला गया। उस समय जब भिखारी गांव में आया तो उसने देखा कि रामू की दुकान बंद है। भिखारी मंगल की दुकान पर गया और बोला, बेटा, रामू की दुकान बंद है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगे और मेरे बाल काट दोगे? बेटा, अरे आ बड़ा, क्या तुम मुझे रामू की तरह फालतू समझते हो? मेरी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। तुम्हारे बाल काटने का समय मेरे पास नहीं है, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे गंदे बाल काटूंगा तो मेरे हाथ और औजार गंदे हो जाएंगे। रही बात खाने की, तो मैं खाना होटल पर जाकर खाता हूँ। अब निकल लो यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। कुछ दिनों बाद
रामू जब अपनी पत्नी को शहर से लेकर लौट रहा था तो उसने देखा कि बूढ़ा भिखारी सड़क पर गिरा हुआ है। रामू ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया। बूढ़े भिखारी को कंधे पर डालकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। मैं इन्हें होश में नहीं ला पाऊंगा। शारीरिक कमजोरी और लगातार कई दिन भूखे रहने के कारण इनके शरीर में खून और ग्लूकोज की कमी हो गई है। तुम्हें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रामू अभी अभी हॉस्पिटल से अपनी पत्नी की डिलीवरी कराकर आ रहा था। उसके काफी पैसे खर्च हो चुके थे। रामू के पास भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के पैसे नहीं थे। अगर बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो एक ही तरीका है, मुझे घर या दुकान में से कोई एक चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। घर गिरवी रख दूंगा तो पत्नी और बच्चों के लिए परेशानी होगी, दुकान ही गिरवी रख देता हूँ। कुछ दिन ज्यादा मेहनत करके दुकान को छुड़ा लूंगा। रामू ने अपनी दुकान गिरवी रख दी और बूढ़े को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन जब रामू गाँव लौट कर आया तो उसने देखा कि मंगल ने रामू के बराबर में ही अपने बेटे के लिए एक और नाई की दुकान खुलवा दी है। गांव में तीन दुकानें हो जाने के कारण रामू का धंधा बिल्कुल ही मंदा पड़ गया। एक दिन रामू मंगल के पास गया और उसने विनती की। मंगल भाई, क्या तुम अपने बेटे की दुकान कहीं और शिफ्ट करवा दोगे? मैंने एक भिखारी की जान बचाने के लिए अपनी दुकान गिरवी रख दी थी। अगले 2 महीने में मैं अगर रकम नहीं चुका पाया तो मेरी दुकान हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाएगी। क्या मैंने तुमसे कहा था कि भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और उसका खर्चा उठाओ? मेरा बेटा कहीं दुकान शिफ्ट नहीं करेगा। तुम्हारी दुकान तुम्हारे पास रहे या ना रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। 2 महीने बीत गए और रामू दुकान छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। बनिया उसके घर पर आकर धमकी दे गया कि अगले सप्ताह तक अगर पैसे नहीं मिले तो रामू अपनी दुकान भूल जाए। रामू बहुत चिंतित था। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। एक रात रामू को एक सपना आया। सपने में उसे वही बूढ़ा भिखारी नजर आया जिसकी उसने जान बचाई थी। रामू, तुम जैसे नेक दिल लोग दुनिया में बहुत कम हैं। बहुत साल पहले किसी ने मुझे वरदान दिया था कि मरने के बाद मेरा शरीर सोने में बदल जाएगा। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। तुम मेरे सर पर एक लाठी मारना, मेरा शरीर मरकर सोने का बन जाएगा। उसके बाद तुम अपने घर की आर्थिक स्थिति आसानी से सुधार पाओगे। अगले दिन जब रामू सोकर उठा तो रात में आए सपने के बारे में सोचने लगा। रामू को नहीं लगा था कि उसका सपना सच होने वाला है, लेकिन तभी उसे सामने से बूढ़ा भिखारी आता हुआ दिखाई दिया। नहीं, मैं किसी के सिर पर डंडा मारकर उसकी जान नहीं ले सकता। तुम किसी की जान नहीं ले रहे हो, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। जाते जाते मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। रामू ने कपकपाते हाथों से भिखारी के सिर पर डंडा मारा। भिखारी का शरीर जमीन पर गिर गया और सोने का बन गया। मंगल उस समय दुकान पर जा रहा था। उसने यह सब देख लिया। मंगल की लोभी बुद्धि ने सोचा, लगता है सुबह के इस समय कोई विशेष मुहूर्त होता है। अगर इस समय कोई घर के दरवाजे पर आए, भिखारी के सिर पर डंडा मारकर उसे मार दे तो उसका शरीर सोने का बन जाता होगा। मैं एक नहीं 3 दिन भिखारियों को बुलाकर उन्हें मार दूंगा और उनका शरीर सोने का बना दूंगा। फिर मैं रामू से 3 गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। उस दिन शाम को मंगल मंदिर पर गया और उसने 3 भिखारियों को अगले दिन सुबह सुबह अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। मैं हर पूर्णिमा को गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। कल सुबह 7 बजे अगर आप तीनों मेरे घर पधारेंगे तो मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। बेचारे भिखारी अगले दिन खाना खाने के लिए मंगल के घर पहुँचे। हमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, दरअसल ये एक रिवाज है।
मंगल, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने तीनों भिखारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर जोर जोर से उनके सिर पर डंडा मारने लगे। भिखारियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मंगल के घर पहुंचे। तीनों भिखारी मर गए, लेकिन किसी का शरीर सोने का नहीं बना। गांव के प्रधान तक ये बात पहुंची कि मंगल ने तीन भिखारियों की हत्या कर दी है। मंगल पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा हो गई।